अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको स्पाइसी मसाला पास्ते की रेसिपी बता रही हूँ। चलिए उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून ले लीजिए, नमक 1 टीस्पून ले लीजिए, 1 चुटकी हल्दी ले लीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून ले लीजिए, ऑरेगानो 1/2 टीस्पून ले लीजिए, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून ले लीजिए, बॉयल किया हुआ पास्ता 1 कप ले लीजिए, 1 छोटा ऑनियन चॉप कर लीजिए, 1 टेबलस्पून चॉप कोरिएंडर लीव्स ले लीजिए, 2 चॉप ग्रीन चिल्लीस ले लीजिए, 1 स्मॉल टोमेटो चॉप ले लीजिए। एक पैन ले लीजिए, उसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के गरम कर लीजिए। कुकिंग ऑयल गरम हो चुका है, इसमें आप चॉप्ड ऑनियंस डाल दीजिए। ऑनियन का कलर गोल्डन होने तक फ्राई करिए। अभी आप देख सकते हैं ऑनियन का कलर गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके फ्राई कर लेंगे। अब इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। अभी आप पैन का लिड लगा दीजिए और इसे 2 मिनट के लिए पकने दें। अभी हम लिड निकाल कर चेक कर लेंगे। और इसमें थोड़ी हल्दी ऐड कर लीजिए। अभी आप लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लीजिए और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब इसमें ऑरेगानो ऐड कर लीजिए। उसके बाद चिल्ली फ्लेक्स भी ऐड कर लीजिए और अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अभी आप थोड़े से कोरिएंडर लीव्स डाल दीजिए। और अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड करके ग्रेवी बना लेंगे। फाइनली इसमें हम बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर कर 2 मिनट तक पका लेंगे। देखिए स्पाइसी मसाला पास्ता बनके रेडी हो चुका है। चाहे तो आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने स्किप किया है। चलिए इसे अभी डिश आउट कर लीजिए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बन चुका है हमारा स्पाइसी मसाला पास्ता। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।